सत श्री अकाल सारिआं नूं, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लिसफुल फ्लेवर्स। मैं अमनदीप और मेरा छोटू जिहा सू शेफ माणो। ओए बच्चा, मसाजे प्यारियां है। सो अज की जिहड़ी आपां रेसिपी लैके आए हैं वह हैगी है पंजाब का ओथेंटिक फूड। एंड जदों ओथेंटिक फूड की गल चलती है उदों सब तो पहला नाम आता है सरों के साग का। सो बेसिकली जो तुम इंटरनेट पर सरों का साग सर्च करोगे ना, तुहानूं बहुत सारिया रेसिपीज मिल जाएगियां। कोई टमाटर पा के बनाउंदा है, कोई कुछ पाउंदा है, कोई पहला तड़का लगाउंदा है। बट जिहड़ी रेसिपी अज मैं तुहाडे नाल शेयर करन वाली हाँ वह रेसिपी हैगी है ओथेंटिक साग की रेसिपी। जिदा आम तौर पर आपां पंजाबी घरां दे विच साग बनाउंदे हाँ सरों का, कोई रेस्टोरेंट वाला वर्जन नहीं हैगा, कोई दूसरा नहीं, ओथेंटिक वाला वर्जन है जिहड़ा आपां आम तौर पर घर बनाउंदे हाँ। होपफुली तुहानूं रेसिपी पसंद आएगी। मैं बहुत कोशिश की है कि मैं सिंपल वे च पूरी रेसिपी नूं डिस्क्राइब करा। सो जे तुहानूं ये रेसिपी अच्छी लगे, इहनूं लाइक शेयर कमेंट एंड सबसक्राइब जरूर करना, मेरे चैनल नूं भी सबसक्राइब करना एंड नीचे कमेंट करके जरूर दस्सो कि तुहानूं ये रेसिपी किदां दी लगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। सब तो पहला पांच कुछियां लै लो साग दीआं, चाहे तो गोभी सरों का लै लो, चाहे तो रपीनी लै लो। कैनेडा में गोभी सरों का नहीं मिलता इसलिए मैं रपीनी लिया है। इनू अच्छी तरह वॉश करके, वॉश करन तो बाद जिहड़ियां हार्ड वालियां गंदलां है उन्हां नूं आपां पील कर लांगे, तो जिहड़े उपर वालियां फुल्लां दीआं करुंबलां होंदियां उह आपां रिमूव कर लैणियां। रिमूव करन तो बाद बरीक बरीक कट के तो एक बोल च ट्रांसफर कर लो, चाहे तो तुसीं डायरैक्टली अपने प्रैशर कुकर दे विच वी नाल नाल पा सकदे हो साग नूं। हुण जिहड़ियां करुंबलां सी उह आपां तां रिमूव कीतियां सीगियां कि अदरवाइज पेट च दर्द हुंदी है उहदे नाल। हुण जिहड़ा प्रैशर कुकर है उहदे विच उपर तक साग पहलां लोड कर लो, जिन्ना पॉसीबल हो सके उन्ना पा लो इहदे विच। फिर एक पूरा लसन दी जिहड़ी हुंदी है गंढ, जिहनूं आपां गार्लिक बल्ब वी कहिंदे आ, उह पील करके उह पा लो। दो तीन ग्रीन चिलीज, ते चाहो ते थोड़ा जिहा अदरक पा लो, इह ऑप्शनल है। चाहो ते तुसीं बाद विच रिमूव कर सकदे हो क्योंकि कई वारी अदरक गलदा नहीं हैगा। नाल पाओ थोड़ा जिहा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और एक गिलास विच पानी दा पा के मीडियम फ्लेम दे उत्ते इहनूं कुक होण दो। जिन्नी देर ये कुक करना है आपां उन्नी देर इहदे उत्ते ढक्कन लगा लो, चाहे तो लिड उदां ही उपर रख सकते हो या फिर कोई प्लेट रख दो, ते इहनूं मीडियम फ्लेम ते कुक कर लो। हुण जदों देखोगे कि इहदा लैवल जिहा डाउन आ गया थोड़ा जिहा, उदों आपां जिहड़ा अपने कोल बचिया होया साग है उह सारा साग इहदे विच पा लांगे। आपां साग इहदे विच ट्रांसफर करन तों बाद लिड लगा देना उपरों, ते इहनूं आपां कुक करांगे चार या पांच पीसल तक। हुण देखो जिहड़ा साग है ना, ये बहुत ही हैल्दी एक डिश है, और इहदे विच ना आयरन और पोटाशियम बहुत ज़्यादा लोडिड हुंदा है। सो जे तुहानूं पोटाशियम की कमी है या तुहानूं कोई भी होर वाइटामिनस की कमी है जिवें आयरन की या जिंक की, तो ये बहुत ही हैल्दी सोर्स है तुहाडे लई, तुहानूं मल्टी वाइटामिनस लैण की जरूरत नहीं पैंदी। हुण चार पांच विसलां तक कुक करन तो बाद आपां स्टीम इहदी कढ के स्टीम रिलीज़ करवा के ते लिड हटा देंगे, ते इहदे विच पावांगे चार गुच्छियां आपां पालक जिन्हां नूं आपां बरीक बरीक कट लिया है वॉश करके पहलां तो ही। हुण चाहो ते तुहाडे कोल एक गुच्छी जे हैगी है उहदी बाथू दी, ते तुसीं उह वी पा सकदे हो नाल। हुण इहदी आपां चार विसलां करवा के तो स्टीम रिलीज़ कर देंगे। स्टीम रिलीज़ करन तो बाद एक कड़छी नाल अच्छी तरह इनू मैश करके देख लो भी जे ये सॉफ्ट हो गया है। जे सॉफ्ट हो गया तो फिर आपां इहदे विच पावांगे एक कप मक्की का आटा। मक्की का आटा इहदे पा के तो घोटना लैके तो इहनूं आपां अच्छी तरह घोट लेना है। जे तुहाडे कोल घोटना नहीं हैगा तो तुसीं हैंड ब्लैंडर भी यूज़ कर सकते हो। एंड दूसरी गल कि जदों तुसीं घोटना है साग नूं तो उदों हमेशा याद रखना कि थल्ले लो फ्लेम चलती रहे, उहदे नाल ज़्यादा ईजीली हो जाता है। एंड नाल दी नाल तुसीं चाहो तो थोड़ा जिहा गर्म पानी इहदे विच ऐड कर सकते हो जे तुहानूं लग रहा है कि साग थोड़ा ड्राई आउट हो रहा है। हुण इहनूं आपां लगातार घोटना है, उन्नी देर तक घोटना जदों तक कि पूरा स्मूथ कंसिस्टेंसी ना आपां नूं मिल जाए, बिल्कुल मलाई की तरह स्मूथ होना चाहिए साग। असली मज़ा उदों आता है जे तुहाडा साग दरदरा है या फिर साग अध कच्चा जिहा है, उहदा फ्लेवर भी नहीं आएगा एंड पेट विच दर्द भी होएगी। उहदे नाल स्मूथ कंसिस्टेंसी दा साग हो गया जदों, फिर आपां इहनूं साइड ते रख लेना। एक कढ़ाई लवांगे, उहदे विच तीन तो चार टेबल स्पून ऑयल गर्म कर लांगे, जे मस्टर्ड ऑयल है तो वह प्रैफर करियो। विच पावांगे आपां हाफ कप कुटिया होया अदरक और लसन। कुटिया होया मैं तां पा रही हाँ क्योंकि जो आप कुटते हैं लसन अदरक नूं, मैं पहला भी दस्या सी असेंशियल ऑयल्स रिलीज़ होंदे जो एक्सट्रा फ्लेवर देंदे ने।
इनू आपां उदों तक कुक करना जदों तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। एंड जदों गोल्डन ब्राउन हो गया फिर आपां इहदे विच पावांगे एक प्याज बारीक कट्टिया होया, नाल पावांगे दो तीन हरिया मिर्चां बारीक कट्टिया होईयां। इन्हां नूं भी आपां उदों तक कुक कर लेना जदों तक कि इह वी गोल्डन ब्राउन ना हो जाण। जदों अनियनस गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो जाण फिर आपां इहदे विच पावांगे साग जिहड़ा आपां कुक करके साइड ते रखिया सी। हुण देखो जिहड़े अनियनस है इह मैं गोल्डन ब्राउन करवाए, इह जलने नहीं चाहिए, सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने चाहिए जिंदा फ्राइड होंदे ने। हुण इहदे विच साग पा लिया, साग जदों पा लिया तो उदों ध्यान रखना कई बार साग ना छिट्टे मारदा है, कई बार नहीं ऑलवेज ही छिट्टे पैंदे ने साग दे। सो चाहो तो एक लिड कोल रख सकते हो तुसी जिहदे नाल तुसी साइड तो थोड़ा जिहा कवर कर सकते हो अपने आप नूं। एंड इहनूं अच्छी तरह आपां मिक्स करके 5 मिनट के आस पास इहनूं कुक करांगे इदां ही लगातार हिलाते हुए। जे तुहानूं लगदा विच कोई लसन अदरक का कोई पीस जिहड़ा अच्छी तरह नहीं घोटिया गया तो तुसी इस पॉइंट ते उहनूं कढ के भी रख सकते हो साइड दे उत्ते। अच्छी तरह मिक्स करके कुक करन तो बाद 5 मिनट फिर आपां इहदे विच पावांगे अद्धा कप देसी घिओ। देसी घ्यो दा रीज़न ये हैगा, एक तो साग गर्म हुंदा, उहदी तसीर गर्म हुंदी है, सो एसिडिटी जिहड़ी बनती है या गले नूं जिहड़ा उह लगदा है उहदे विचों हैल्प करदा है देसी घ्यो। दूसरा साग दे विच शाइन आती है देसी घ्यो दे नाल, एक अलग ही फ्लेवर उभर के आता है। सो देसी घ्यो पाउण तो बाद 5 मिनट आपां इहनूं होर कुक करांगे। 5 मिनट रिन्नण तो बाद साग अपना बिल्कुल रेडी है। हुण साग दे विच तुसीं नोटिस कीता होएगा कि मैं टमाटर नहीं पाया हैगा। टमाटर ना पाउण दा रीज़न ये हैगा कि जदों तो रीत चलती आ रही है साग बनाउण दी उस टाइम ते टमाटर इंडिया विच नहीं हुंदे सी, इसलिए उदों टमाटर नहीं पैंदा हुंदा सी। ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਬਣਾਓ, ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।